हेलो फ्रेंड वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट्स टुडे एनालिसिस के डेली क्लासेस में 9 सितंबर 2023 के अगर हम समाचार पत्रों को देखते हैं उसमें से भी प्रमुख समाचार पत्र जो हमारे यूपीएससी के लिए या एसप्रेंड के लिए जरूरी है जैसे द हिंदू द इकनॉमिक्स टाइम इंडियन एक्सप्रेस पी तो चूँकि आपको पता है कि आ, आज से ही जी शुरू हुआ है वो दो तीन दिन से ही बहुत ढेर सारे जी ट्वेंटी के ही पूरे भरे हुए हैं लेकिन चूँकि हम सिविल एस्पिरेंट हैं और हमें अपने सिलेबस के दायरे को पूरा कवर करना होता है जी ट्वेंटी भी पढ़ना है और हम पढ़ेंगे जब वो सही समय आएगा उसमें हो जाए सब कुछ क्लियर कट आ जाए फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो भारत में जी ट्वेंटी हो रहा है अपने आप में एक कह सकते हैं जैसा कि हमारे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट है उस तरह का टर्निंग पॉइंट जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदली थी या आर्थिक मंदी के बाद दुनिया बदली थी यह उसी तरह की टर्निंग पॉइंट है क्योंकि यह आ, जो हो रहा है जी ट्वेंटी का सम्मेलन यह कोरोना यानी पिछले सौ सालों में सबसे बड़ी आ, जो आपदा है कह सकते हैं जो उसके महामारी उसके बाद हो रहा है जिसमें पूरी दुनिया को कई बार बंद कर दिया गया उसमें बहुत सारे व्यवधान आए तो हम अगर आज के समाचारों को देखते हैं तो पाते हैं कि ढेर सारे समाचार रहे हैं पूरा न्यूज़पेपर जी ट्वेंटी से भरा पड़ा है लेकिन उनमें से हमें जब हम उसको एनालाइज़ किए और जी ट्वेंटी के न्यूज़ को अभी छोड़ रहे हैं उसको एक साथ पढ़ेंगे तो चार पांच न्यूज़ पांच नीच उभर के सामने आई है जिसमें से पहला ये है कि जलवायु परिवर्तन से भारत में पर्ल मिलेट या जो भारत का बाजरा होता है बाजरा यानी कही कहीं कहीं बजरी कहीं कहीं बाजरा बोलते हैं जो काला काला होता है उसको पर्ल मिलेट बोलते हैं उसके क्षेत्र में परिवर्तन लाने की संभावना है यानी उसको जो ज्योत क्षेत्र है वो जो परंपरागत रूप से चल रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण उसमें परिवर्तन लाने की सुझाव दिया गया है आईसी uh, आई सी आर आई एस ए टी रिसर्च सेंटर वालों ने ये दिया है देखेंगे कि इसमें ऐसा क्यों है क्या कहा गया है क्यों पढ़ना है बता दूं तो ये आपका आपके यू पी एस सी के पेपर थ्री में इकॉनमी वाले क्वेश्चन में उसमें फसल पैटर्न्स, फसल प्रतिरूप हमारे लिए सिलेबस में टॉपिक है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसी तरह से दूसरी न्यूज़ जो है साइंस टेक में एक आप बहुत सारे न्यूज़ होते रहते हैं एक एक नवीन नवीन जो है कह सकते हैं कि घटना हुई है जिसमें इसराइल के वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल भ्रूण मानव भ्रूण तैयार किया है जिसमें न, न स्पर्म का प्रयोग किया गया है न एक का प्रयोग किया गया है और न ही ओवरी का प्रयोग किया गया है यानी कि मानो जो स्पर्म एक और ओवरी का प्रयोग भाई भ्रूण कैसे बनता है स्पर्म और एक फर्टिलाइज होता है और ओवरी में जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाता है यानी गर्भाशय में इन तीनों चीज़ों के बगैर वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक भ्रूण मानव भ्रूण बनाया है फिर उसको हम देखते हैं इसी तरह से अगली न्यूज़ जो है वह है कि एक प्री बेस्ड न्यूज है आर आई ने आई इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो अभी जो कुछ दिन पहले लाया था उसको समाप्त करने की घोषणा आज से 9 सितंबर से, से की है ठीक है उसके बाद जो है शिव के नटराज रूप का जो अर्थ क्या होता है उसका क्या ऐतिहासिक होता है और प्रतीक क्या है ये क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि आज से शुरू हुए जो जी ट्वेंटी सम्मेलन है जिसका आयोजन भरत मंडपम में हो रहा है वहाँ शिव की नटराज रूप की 27 फुट ऊंची प्रतिमा का लगी हुई है जो कि विश्व में शिव की नृत्य करती हुई सबसे ऊंची प्रतिमा है ठीक है तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे और उसके बाद अगला न्यूज है आ, जैसे कि आपको पता होगा कि कल शाम को ही आ, अमेरिका के राष्ट्रपति आए और आते ही वो प्रधानमंत्री आवास पे उनका प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई क्योंकि उनको आगे भी निकलना था है तो वो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उस द्विपक्षी वार्ता में क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं उसको देखेंगे वो न्यूज़ बहुत डिटेल में है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखेंगे चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं जलवायु परिवर्तन से भारत में बाजरा जो क्षेत्रों में बदलाव आया है इसमें जैसे कि भारत में जो पर्ल मिलेट है वह कुछ क्षेत्र विशेष में होता है जैसे कि जो परंपरागत रूप से गुजरात राजस्थान हरियाणा का, का कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र और दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र है वहाँ पे होता था और उसी के आधार पे वो उनका फसल क्षेत्र निर्धारित था लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे बाजरा के परंपरागत जैसे आपको पता होगा कि बाजरा जो है वह अर्धशुष्क क्षेत्रों की फसल है यानी बारिश की फसल कम वर्षा से ही हो जाती है और मोटी अनाज है और भारत इस साल वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट या उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष हालांकि उसमें और भी चीज़ें हैं ज्वार रागी और इस तरह की चीज़ें हैं लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित बना रहा है और जो जी ट्वेंटी के मेहमान आएंगे उनको भी जब राष्ट्रपति जी अपने यहाँ खान पान पर बुलाएंगे तो उस पर वहाँ पर वही चीज़ें खिलाई जाएंगी ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है इसको हम समझेंगे कि ये क्या है पैटर्न का बदलाव क्यों हो रहा है क्या हो रहा है और क्या सुझाव दिया है कि इसमें क्या प्रस्तावित सुझाव है और जो संस्था दी गई है थोड़ा सा उसके बारे में भी हम सूचना एकत्रित कर लेंगे ठीक है चलिए अब इस न्यूज को हम डिटेल में पढ़ते हैं देखिए यही है परल मिलेट इसी को आप ज्वार मतलब जो आ, बाजरा बोलते हैं ठीक है ये काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और यह कह सकते हैं कि शुष्क क्षेत्र में उपजाऊ होता है और इसका किसानों के लिए जो खासतौर से शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय में प्रमुख योगदान हो सकता है उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार बना भी रही है मना भी रही है जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष ठीक है चलिए देखते हैं कि चर्चा में क्यों है तो चर्चा में क्यों है क्योंकि इंटरनेशनल क्रॉप एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिट्रॉपिक्स अर्ध शुष्क कृषि क्षेत्रों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है आई सी आर आई एस टी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर मिलेट बाजरा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना ये संस्था है और ये परियोजना है ये दोनों के रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बदलती जलवायु बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत में बाजरा कैसे और कहाँ उगाया जाए इसका पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ठीक है यानी कि जहाँ पहले परम्परागत रूप से होता रहा है अब सरकार को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेगी और उन क्षेत्रों में जैसे हमारा जलवायु परिवर्तन हो चुका है तो उन क्षेत्रों के आधार पे हमें नवीन जो है मॉडल डेवलप करने पड़ेंगे नवीन क्षेत्रों का करना पड़ेगा और उन क्षेत्र विशेष पर बल देना होगा ताकि हम जो ये देखिए जलवायु का बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से भी किसानों को अपने हम बचा सकें ठीक है भारत में बाजरा क्षेत्रों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है क्यों है क्योंकि जो बाजरा है यह शुष्क क्षेत्र की फसल है शुष्क क्षेत्र शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र की फसल है और उस क्षेत्र में रहने वाले ज़्यादातर किसान चूंकि इसी तरह की फसलों पर निर्भर होते हैं ऐसे में उनका आय का स्रोत कम है और वह भी जलवायु या कर सकते हैं कि वर्षा या मौसम पर ही निर्भर होता है ऐसे में देखा जाए तो हमारे किसान वैसे भी काफ़ी कमज़ोर वर्ग हैं उसमें भी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में काम करने वाले या रहने वाले या कर सकते हैं कृषि करने वाले आ, किसानों की क्या स्थिति हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे किसान चूँकि वैसे ही निचले स्टेटा पे हैं उसमें से भी अर्धसुस्क क्षेत्रों वाले किसान की स्थिति और ख़राब है ऐसे में अगर जलवायु परिवर्तन की मार जो कि उन पर सबसे ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि उनकी पूरी कृषि ही किस पर निर्भर है जलवायु परिवर्तन पे तो ऐसे में उनके लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा और दूसरा यह क्षेत्र ये जो मोटे अनाज वाला अर्धसुष वाला क्षेत्र है इसमें जो उत्पादन होता है यह भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण भारत की खाद्य सुरक्षा की भी एक आवश्यक आधार सुला है जिसके कारण अब जो हो रहा है ये देख रहा है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया एक महत्वपूर्ण मोड़ है टर्निंग पॉइंट पे आ गई है जहाँ पे इसके क्षेत्रफल इसके क्षेत्र को इसके पैटर्न और इसके रीजन को पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत होती है देखिए होता क्या है कि आ, सरकार समय के साथ साथ जलवायु और उसके आंकड़ों के आधार पर कई सारे फसल क्षेत्रों का निर्धारण करती है जैसे प्रमुख फसलों के लिए निर्धारित है कि किन किन क्षेत्रों में वो फसलें होती हैं उस पे उन क्षेत्रों पे फसलों पे उस तरह का ध्यान दिया जाता है उस तरह की चीज़ें की जाती हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जो परंपरागत रूप से क्षेत्र थे वो बदल रहे हैं अब नवीन क्षेत्रों में ज़्यादा संभावनाएं हैं है, और जो परंपरागत क्षेत्र हैं अब वो नकदी या वर्षा की अधिक उपलब्धता के कारण वो ये मिलेट या ज्वार बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रह गए हैं जैसे अगर देखें तो सुझाव जब देख रहा है तो अगर हम सुझाव बाद में देखते हैं पहले ये देख लेते हैं आंकड़े इसमें कहा गया है एक्चुअल में इसमें जो सुझाव दिया गया है उसमें लिखा है जो सुझाव दिया गया है उसमें ये है कि इसके मिल पर मिलेट इंग्लिश में पर मिलेट हिंदी में बाजरा बोलते हैं जो काला वाला बाजरा होता है इसके लिए ट्विन मॉडल बनाया है एक फसल के आधार पर मॉडल और एक डिजिटल उसके आधार पर मॉडल बनाया है और दोनों की तुलना करके उसने बताया है कि कैसे अब जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं उस तरह से इन क्षेत्रों का निर्धारण भी करना चाहिए जैसे कि अगर हम देखें तो परंपरागत रूप से ये जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र इस पर ध्यान दिया गया है ये ये प्रमुख क्षेत्र था जिसे क्या बोला गया था ए ये भारत में देखिए ओरिजिनल इन्वायरमेंटल क्लासिफिकेशन में जो है यह प्रमुख क्षेत्र था ए वन था ये राजस्थान वाला क्षेत्र भी था और बी जो क्षेत्र था वह दक्षिण भारत वाला क्षेत्र था जहाँ पे बाजरा की खेती होती है अब जो नवीन इन्वायरमेंटल क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें ये क्षेत्र तो बद बदला है इसमें से थोड़ा सा पोर्सन ये उस तरह से हुआ है बाकी ये जो गुजरात वाला क्षेत्र जैसे नहीं जो ए है ये जो मेन क्षेत्र था इसके तीन क्लासिफिकेशन कर दिए गए हैं इसमें ए वन यानी जो अभी इधर का जो ए है ये पहले जो ए था ए वाला क्षेत्र यानी ए अब इसके तीन क्लासिफिकेशन हो गए हैं एक ए वन नहीं ए वन तो ए वन है ही है नहीं ए वन है एक है ए ई वन ये जी है और ए टू यानी ये गुजरात का क्षेत्र राजस्थान और हरियाणा का क्षेत्र ए ई वन और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इसमें ये कहा गया है कि जो परंपरागत रूप से ए जो गुजरात राजस्थान और इस तरह का क्षेत्र था उसके अब तीन क्लासिफिकेशन हो गए हैं जो जलवायु की स्थिति है जो मिट्टी की स्थिति है जो उत्पादकता बीज आदि की स्थिति है उसके लिए ये जो राजस्थान और हरियाणा का जो क्षेत्र है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बाजरा का उत्पादकता बढ़ी है और इन क्षेत्रों पे ध्यान देके हम इस क्षेत्र में बाजरा की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है उसमें बताया गया है कि वहाँ पे तकनीकी उन्नति ज़्यादा होने के कारण और उस चीज़ के कारण वहाँ पे बाजरा की उत्पादकता बढ़ी भी है और निर्यात क्वालिटी का बाजरा का उत्पादन किया जा सकता है और जो परंपरागत रूप से ये गुजरात वाला हिस्सा था जो पहले से बाजरा का उत्पादन इसमें होता रहता था अब ये कहा गया है कि वहाँ पर बारिश की अधिकता हो गई है वर्षा जल उप, की उपलब्धता हो गई है, सिंचाई की व्यवस्था हो गई है ऐसे में यहाँ पे बाजरा उपजाना उप उचित नहीं होगा क्योंकि बाजरा तो वहाँ पे उपजाना चाहिए जहाँ की वर्षा की कमी है यहाँ पे तो ऑलरेडी वर्षा की उपलब्धता है सब कुछ हो गया है ऐसे में यहाँ पे नगदी फसलों का नगदी फसलों का बोलबाला है तो ये यह यही रिपोर्ट कहती है कि इस तरह का जो प्रारंभिक पैटर्न है इसको इस आधार पे करना पड़ेगा यही चीजें आगे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी देखिए वर्तमान में भारत के क्षेत्र वर्षा और मिट्टी के प्रकार पर आधारित राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए ए वन जो पहले वाले डेटा में आप पहले वाले मैप में देखिए उत्तर और मध्य भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए ए जो गुजरात राजस्थान वाला है और दक्षिण भारत में भारी मिट्टी वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए बी है ठीक है बदलाव में क्या हुआ है जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जून का पुनर्मूल्यांकन करने का सुझाव दिया गया है इसमें मौजूदा ए जोन ए जोन में क्या है भारत में शुष्क क्षेत्र वहीं जो राजस्थान गुजरात हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र हैं उसको तीन अलग अलग उप क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जी गुजरात वाला ए ई वन राजस्थान और हरियाणा हरियाणा वाला और ए, -ए टू उत्तर और मध्य भारत के राज्यों को कवर करते हैं ठीक है इसमें जी गुजरात ए ई e. वन पूर्वी राजस्थान हरियाणा और ए टू e. में उत्तर प्रदेश शामिल है नया जोनिंग ढांचा ए वन e. को भारत का बाजरा का मुख्य क्षेत्र बनाना चाहिए क्यों क्योंकि जहां पे अनुकूल जलवायु और मिट्टी की स्थिति के साथ साथ बाजरा की उन्नत किस्में हो रही हैं जो पूर्व राजस्थान पूर्वी राजस्थान और हरियाणा वाला क्षेत्र है इसी को ही बाजरा के लिए क्या बनाना चाहिए बाजरा भारत में ए ई वन को पूर्वी राजस्थान और ये है पूर्वी राजस्थान पूर्वी राजस्थान एवं हरियाणा हरियाणा का कुछ क्षेत्र बाजरा के उत्पादन के मूल के रूप में यानी इन्हीं यहाँ पे, पे अनुकूल जलवायु है यानी बारिश कम हो रही है और सारी चीजें और मिट्टी की स्थिति में भी बाजरा की उन्नत किस्मों के कारण उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ए टू आशाजनक उपज प्रगति और बेहतर कृषि पद्धतियों को दर्शाते हैं जो निर्यात उन्मुख लाभ की संभावना प्रदान करते हैं यानी कि जो उत्तर प्रदेश का पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला इलाका है ये आपका आगरा और इधर मथुरा वाला इलाका है वहाँ पे निर्यात उन्मुख बाजरा की फसलें आप कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण जी जोन यानी गुजरात से अधिक वहाँ अधिक वर्षा हो रही जिससे किसान नकदी फसलों की ओर रुख कर सकते हैं और गर्मी के मौसम में बाजरा की खेती सीमित कर सकते हैं यानी वहाँ बाजरा की खेती सिर्फ गर्मी के मौसम यानी वर्षा के पहले और बाकी वो नकदी फसलों की तरह जाके किसानों की आय बढ़ा सकते हैं ये किया क्यों जा रहा है ये किया ये जा रहा है कि हमारे किसान जलवायु के ज़्यादा अनुकूल हो के अवसर का भी लाभ उठा सके और जो जलवायु की समस्या परिवर्तन के कारण जो चुनौतियाँ आ रही हैं उसके साथ अपने आप को एक्मोडेट कर सकें अनुकूलन जो कहते हैं ना कि जलवायु के साथ अनुकूलन तो ये बाजरा मिलेट के लिए जलवायु की अनुकूलन है इसी तरह से और आगे भी जलवायु की अनुकूलन की बात आती है जहाँ तक अर्धसूषित क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी आई सी आर आई एस टी है यह एशिया अफ्रीका एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें भारत का भी सहयोग रहा है और यह दुनिया के दो दशमलव एक अरब लोगों के लिए जो कि एशिया अफ्रीका सब सहारा में शुष्क शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ की कृषि के लिए ये वैज्ञानिक अध्ययन करता है अनुसंधान करता है और उनके लिए बेहतर विकल्प बताता है अभी देखिए यही अध्ययन करके बताया कि कैसे प्रारूप में परिवर्तन हो रहा है कैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है इन्वायरमेंट में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए कैसे जोन बदला जाए ये आपका जो सिलेबस का जी का जी पेपर थ्री का जो फसल पैटर्न ना क्रॉप पैटर्न या फसल प्रतिरूप है उससे वो जुड़ा हुआ टॉपिक है ठीक है चलिए अगली अगला जो न्यूज़ है वो साइंस टेक्नोलॉजी का है इसमें इसराइल के वैज्ञानिकों ने एक मानव भ्रूण बनाया है लैब में आर्टिफिशियल मानव भ्रूण बनाया है जिसमें न न मतलब आर्टिफिशियल मानव भ्रूण बनाने की कोशिश हुई है लेकिन इसमें यह सफल हुआ है इसमें न आ, किसी भी मानवीय जो यानी मानवी का तो प्रयोग हुआ है बताएंगे इसमें न स्पर्म प्रयोग हुआ है न एग प्रयोग हुआ है और न ही ओवरी का प्रयोग किया है क्योंकि अमूमन अभी तक जो भी भ्रूण बनता है वो स्पर्म और एक के फर्टिलाइजेशन से उसके बाद उसको उसमें फर्टिलाइजेशन होता है फिर उसमें आ, कह सकते हैं पार्टी द्विगुड़न दु, होता रहता है जिसके कारण फिर उसे बाद में गर्भाशय में उसका विकास किया जाता है अभी तक और जितने भी भ्रूण पर रिसर्च होते रहे हैं वह इसी तरह से जो भ्रूण ने किसी ने भ्रूण को दान दे दिया या इसी तरह से मानो जो गर्भाशय से जो निकला या जो दान दे दिया उसी से रिसर्च होते रहे हैं ठीक है इसमें यह है कि पहली बार बिना वो निषेचन की प्रक्रिया द्वारा इसको अपनाया गया है उसके लिए जो पृद्धि प्रयोग की गई है वो स्टेम सेल के प्रोसेस के द्वारा की गई है ठीक है स्टेम सेल के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे इससे क्यों किया गया है क्योंकि एक नैतिक समस्या थी कि वो मानव भ्रूण को लेकर एक नैतिक समस्या थी कि वो चौदह दिन के अंदर ही उसको समाप्त कर देना था और भ्रूण क्यों गिर जाता है क्यों गर्भपात हो जाता है क्यों भ्रूण जनित जनित बीमारियाँ आती थी इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाती जिस तरह की समस्याओं को आपका ये अध्ययन हल करने का प्रयास करेगा मतलब ये अध्ययन क्यों किया गया है कि उस तरह की जो अभी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए चलिए आइए देखते हैं इसको डिटेल में चर्चा में क्यों है क्योंकि वैज्ञानिकों ने फिर बताया कि इसराइल के बेंजामिन संस्थान के वैज्ञानिकों ने बिना शुक्राणु बिना अंडाणु बिना गर्भाशय के प्रयोग से मानव भ्रूण जैसी मानव भ्रूण तो नहीं लेकिन मानव भ्रूण जैसी बिना सुक्राणु बिना सुक्राणु अंडा अंडे या गर्भाशय का उपयोग किए बिना मानव भ्रूण जैसी संरचनाएं विकसित की है ये एक प्रगति जो नई दोषों कई दोषों और बाजपन के प्रकारों के कारणों को प्रकट करने में मदद कर सकता कैसे वो आगे के स्लाइड में है हम चर्चा करेंगे ठीक है, है? कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसराइल के बेंजामिन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक टीम ने किया था ठीक है और इसने संवर्धित स्टेम सेल कोशिकाओं से मानव भ्रूण को संपूर्ण मॉडल बनाए और उन्हें चौदह दिन तक गर्भ के बाहर विकसित करने में कामयाबी हासिल की है हालांकि यह कार्य प्रयोगशाला में विकसित मानव भ्रूण मॉडल के विकास पर स्पष्ट नैतिक नियमों की आवश्यकता पर बहस करने का नवीनीकृत कर देगा यानी अभी तक ये होता रहा है कि चूँकि जो भ्रूण पर रिसर्च होता है ये मान्यता रही है कि भ्रूण जो होता है वो भी तो मनुष्य है ना आप उस पर रिसर्च करें देखिए ये जो प्रश्न है अभी नैतिक प्रश्न क्या है इसको अभी यहीं से समझ लेते हैं बाद में उसको लिखा जरूर है लेकिन उतने डिटेल में नहीं है क्यों क्या नैतिक समस्या आ रही है भ्रूण की जांच करने में हालांकि उसकी जांच करके बहुत सारी समस्याओं से बाँचपन से भ्रूण में आने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है कई लोगों के कोख हरे हो सकते हैं कई लोग माता पिता का सुख प्राप्त कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो जो प्रक्रिया के तहत हमें भ्रूण मिलता है वो एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं फिर उसका गर्भाशय में किया जाता है तो जब हम उसको लेते हैं तो निश्चित रूप से उस भ्रूण की क्या हो जाती है हत्या हो जाती है जब जांच करते हैं और ऐसे में मतलब भ्रूण नष्ट हो जाता है उसे अगर प्रिजर्व भी रखते हैं तो भी तो कहीं ना कहीं उसको नष्ट हो जाता है क्योंकि भ्रूण का विकास तो गर्भाशय में ही होता है तो ऐसे में यह कहा जाता है एक परंपरागत मान्यता है कि यह कहीं ना कहीं मानव की हत्या के समान है क्योंकि मनुष्य का जीवन उसमें आ जाता है जब से विकास होता है भ्रूण डेवलप होता है और चौदह दिन बाद उसमें व्यक्तित्व डेवलप तो होने लगता है यानी वो पूरा मनुष्य का रूप एक एकदम आधार ले लेता है बहुत छोटा ही रहता है लेकिन उसके बाद फिर उसका शरीर डेवलप होना शुरू होता है उसके पहले जो कोशिकाएं रहती हैं जो पहली निषेचन के बाद आ, सेल रहती है वो डाटर सेल्स में बदलती रहती हैं लेकिन चौदह दिन के बाद उनका डिवीज़न बंद हो जाता है और फिर वो एक इकाई एक यूनिट एक कह सकते हैं एक इंडिविजुअल के रूप में हो जाती है उसके बाद उसमें शरीर के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएंगे मतलब उसमें एक पूरा उसके बाद उसको दो नहीं होंगे यानी ट्विंस बनने की संभावना उसके पहले चौदह दिन के पहले होती है इसलिए बीच पहले तो ये था कि शुरू में कुछ लोग एक कहते थे कि नैतिक रूप से शुरुआत में ही ना करो बाद में विज्ञान और नैतिकता दोनों को मिला के ये कहा गया कि नहीं चौदह दिन के बाद एक तरह से चौदह दिन के बाद व्यक्ति जीवन जो जिसको हम व्यक्ति कहते हैं वो शुरू होता है उसके पहले वो सेल ही रहता है कोशिका ही रहता है तो कोशिका की जांच करने को लेकर हम उतने नैतिक कोई बात नहीं सेल है सेल हमारे शरीर में बहुत सारे सेल हैं हम उसकी जांच कर सकते हैं लेकिन जब वो एक जीवन की एक प्राइमरी एक आधारभूत इकाई हो जाता है जहाँ से फिर उसका विकास होके एक मनुष्य के रूप में होता है हम उस पर फिर हम रिस्क नहीं ले सकते हैं वो हमारे किसी शोध का माध्यम नहीं हो सकता है किसी चीज़ का क्योंकि मनुष्य किसी भी लक्ष्य का साधन नहीं हो सकता है ये नैतिकता कहती है कि कोई भी मनुष्य किसी भी लक्ष्य का साधन नहीं हो सकता है आप हम किसी उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन नहीं हो सकते हालांकि इसके अगेंस्ट भी कुछ विचार हैं लेकिन यही है कि आमतौर पर मनुष्य को किसी उद्देश्य की प्राप्ति का साधन नहीं मनुष्य अपने आप में साध्य है वो साधन नहीं है वो रिसर्च का विषय नहीं है वो अनुसंधान का विषय नहीं है यानी अगर ठीक है कि इससे बाद में भविष्य में सुधार होगा लेकिन उस भ्रूण की तो हत्या हो सकती है तो ये नैतिक समस्या है ये इसी नैतिक समस्या के सम जो है आप कह सकते हैं कि एक परिवेश में वैज्ञानिकों को अपना कार्य करना होता है इसलिए वो चौदह दिन की सीमा इसमें पढ़ेंगे और आगे भी देखेंगे वो निर्धारित है पहले ही बता देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो ठीक है तो लेक ये वहाँ से ये शुरू कर देगा कि, कि अभी तक जो मामला था वो ये था कि वो गर्भाशय से होता था तो चौदह दिन पहले विकसित कर दिया उसको समाप्त कर दिया जाता है अब उस प्रक्रिया से नहीं है तो क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है ये प्रश्न उत्पन्न उत्पन हो जाएगा दूसरा है कि अब इसको लेके एक नया मांग आएगा कि अभी तक तो यही था कि भ्रूण जो उससे हो वो चौदह लेकिन जो उस दूसरे प्रक्रिया यानी आर्टिफिशियली तरीके से अगर उसका किया जाता है उसके बारे में क्या नियम कानून हो उसको लेके ये मांग शुरू कर देगा ठीक है तो मॉडल कैसे बनाया गया इसमें जो जैसे कि वैसे तो नॉर्मल आपको पता है बार बार बता है, उसमें क्या बताना है कि एक और इस पर मिलते हैं फिर वो उन दोनों दोनों उसमें आधा आधा गुण होते हैं माता के आधा पिता के दोनों मिलके एक कोशिका बनती है फिर वो द्विगुणित होने लगती है धीरे धीरे वो अपनी आकार को दो से चार चार से छः आठ दस करती रहती है और चौदह दिनों में जाके चौदह दिनों तक वो पूरा करके एक छोटा सा पिंड बन जाती है मतलब उसे भू उसे भ्रूण कहते हैं उसके बाद उसमें जो है परिवर्तन होना बंद हो जाता है ये तो समान तरीका है यहाँ पे जो प्रयोग किया गया था वह स्टेम सेल मानव के शरीर में कोशिकाओं का अगर देखा जाए तो एक कोशिका होती है जो सामान्य सी कोशिका होती है टूट फूट करती रहती मरती रहती है बनती रहती है एक कोशिका होती है जो जनन कोशिका होती है और जिसको कहते हैं ना स्पर्म और सेल मिल अलग अलग होती है और एक ऐसी कोशिका होती है जो अविभेदित कोशिका होती है जिसके द्वारा मतलब जिसमें अविभेदित मतलब उसका कोई आकार नहीं होता है जैसे कि स्किन की कोशिका बदलेगी तो स्किन की कोशिका में बदलेगी हार्ट की कोशिका सेल हार्ट में बदलेगी ब्लड सेल ब्लड में बदलेगी है ना इसी तरह की कुछ शरीर में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका कोई स्पष्ट आकार नहीं होता वो किसी भी आकार में ले सकती है उस तरह की कोशिकाओं को स्टेम कोशिका या स्तंभ कोशिका कहते हैं वो आकारहीन होती है यह मूलतः तीन प्रकार की होती है ओमनीपोटेंट प्लोरीपोटेंट और बाईपोटेंट या ओ, जो इस तरह के जैसे उसमें कोई कोशिका होती है जैसे उसमें एक या दो अंगों का आकार लेने की क्षमता होती है कुछ होती है वो जो संपूर्ण शरीर का आकार ले लेती है ओमनी पोटेंट और कुछ होती है जो अधिकांश प्लोरीपोटेंट पूर्ण संपूर्ण उसका ले लेती है तो हमारे यहाँ जो ये ओमनी पोटेंट और प्लोरीपोटेंट है यही कोशिकाओं से इस तरह के भ्रूण का डेवलपमेंट इन वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रोसेस के द्वारा केमिकली किया है बगैर गर्भाशय में रखे यानी पहले क्या होता था कि उसको इसी स्टेम सेल से भी करके स्टेम सेल से कोशिका तो बना लेते थे ठीक है क्योंकि उसमें किसी भी कोशिका में परिवर्तित होने की क्षमता है लेकिन उसका डेवलपमेंट उसका जो द्विगुणन होता था वो गर्भाशय में ही अब तक किया जाता था इन वैज्ञानिकों ने उसे आर्टिफिशियली किया है आर्टिफिशियली उसे भ्रूण के रूप में चौदह दिन वो आकार में पहुंचाया है ठीक है तो इससे हम गर्भाशय में जो डेवलपमेंट होता है उसको नहीं जान पाते इसके जरिए हम जान पाते हैं कि कैसे कोशिकाएं द्विगणित होती हैं और कहाँ पे जैसे हम ये प्रयोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम जान पाए कि भ्रूण का क्यों भ्रूण का जैसे कई में जो भ्रूण का पतन हो जाता है यानी भ्रूण का नाश हो जाता है या उसमें कोई रोग समस्या आ जाती है वह कहाँ आती है ठीक है तो इस मॉडल क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अभी तक वैज्ञानिकों के लिए भ्रूण के विकास के शुरुआती चरणों पर नैतिक रूप से शोध करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि गर्भाशय में प्रत्यापित होने के बाद इसका अध्ययन करना मुश्किल होता है वैज्ञानिक वर्तमान में विभिन्न प्रयोगशाला मॉडलों या ध्यान किए भ्रूणों में इन प्रारंभिक परिवर्तनों का अध्ययन कर रहे हैं ऐसे में यह शोध महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भ्रूण के विकास के शुरुआती दिनों में अधिकांश गर्भपात और जन्म दोष होते हैं तो इसलिए इसके जरिए हम शुरुआती चरण में ये पता कर पाएंगे कि कैसे उनमें समस्याएं नैतिक कारणों से नहीं पता चल पाता था क्योंकि वो फिर वो गर्भाशय में अवरपित कर दिए जाते थे जहां वो डेवलप होता था भ्रूण के रूप में अब हम शुरुआती चरण में ही जान पाएंगे कि कहाँ समस्याएँ होती हैं अब इसको सब चीज़ लिखा हुआ है इसका निष्कर्ष जो है आ, निकला कि क्या प्रयोगशाला विकसित भ्रूण का उपयोग जन्म के लिए किया जा सकता है नहीं किया जा सकता इसका नहीं किया जा सकता क्यों पहले तो यह कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भ्रूण का जो है इस तरह से आर्टिफिशियल अगर भ्रूण डेवलप करेंगे तो उसको चौदह दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा नष्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही कारण कि चौदह दिन के बाद वह इंडिविजुअल का रूप लेने लगता है फिर नैतिक समस्याएं आ जाती है और देखना भी सही है कि अगर आपने एक भ्रूण का विकास किया एक भ्रूण का एक व्यक्तित्व के रूप में विकास किया और अगर कोई भी समस्या उसके जीवन को आई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा कोई तो जिम्मेदार होगा वो नैतिकता है कि उसको इंडिविजुअल बनने के पहले ही और अगर वो इंडिविजुअल बन गया तो ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति बन गया वो आ, एक कह सकते हैं ह्यूमन बन गया इसलिए उसके पहले ही इसको नष्ट कर देना आवश्यक है और अगर ये न भी किया जा सके तो अभी तक जो वैज्ञानिक प्रयोग है इसके जरिए जो भ्रूण तैयार हुआ है उसका कहीं भी जो नेचुरल ह्यूमन भ्रूण होता है उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती हाँ कैसे होता है उसको करने के लिए हमें वो सीख दे सकता है कि ये ऐसे ऐसे हुआ लेकिन एक्चुअल में जो मानव ऋण होता है उसके कहीं भी निकट ये नहीं बैठता दूर दूर तक नहीं बैठता है ठीक है चौदह दिन की सीमा क्यों है आपको पहले ही बता चुके हैं शुरुआत में ही क्योंकि ये बार बार चौदह दिन चौदह दिन नैतिक सीमा आने पर तो वो कंफ्यूजन होता है इसलिए उसको मैंने पहले ही बता दिया अब देखते हैं कि इस मॉडल से महत्व तो क्या है देखिए महत्व यही है कि अभी तक हम चूँकि नैतिक सीमाओं के कारण भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है और वहाँ से लेके हम ज़्यादातर कुछ दान वन कर दे तो हम करते थे और फिर नहीं कर पाते थे उसमें भी ये जब कोशिकाओं के रूप में जब भ्रूण का विकसित हो जाता था तब हम अध्ययन करते थे और हमारी मान्यता थी कि जो भ्रूण की समस्याएं हैं या जोनेटिक समस्याएं है, आती हैं वो कोशिकाओं के यानी जो सेल के डिवीजन के क्रम में आती है इससे निष्कर्ष से पता चला जब वैज्ञानिकों ने देखा कि जब जीन का डिब्लिक डब्लिकन होता है जब जीन का डिवीजन होता है उसी दौरान बिल्कुल प्रारंभिक चरण में ही कोशिकाओं में अगर जीन में दोष आ जाता है तो आगे के कोशिकाओं में दोष आ जाएगा उसमें कोई डाटर कोशिका किसी में ज़्यादा जीन आ जाएगा किसी में कम आ जाएगा किसी में खराब हो जाएगा और फिर बाद में भ्रूण खराब हो सकता है जिससे भ्रूणपात और अन्य जन, जन्मजात बीमारियों की समस्याएँ आ सकती हैं यह इसका निष्कर्ष है वो जो एक नैतिक समस्या थी इसने कि कैसे भ्रूण के बारे में कि प्रारंभिक अध्ययन किया जाए कि भ्रूण में कैसे कहाँ से समस्याएं शुरू होती हैं लेकिन मजबूरी यह थी कि उसके लिए आपको भ्रूण को मारना पड़ेगा जो कि नैतिक बाध्यता थी इसने उस समस्या को दूर कर दिया आइए अगला देखते हैं यह एक प्री रिलेटेड है इसका मेंस में कोई बहुत आपका योगदान नहीं है लेकिन इसमें आर क्या कह रहा है कि आर वर्तमान में आई इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगा चर्चा में क्यों है क्योंकि आर बी आई आठ यानी कल आर ने कल जो है यह आठ सितंबर को यह घोषणा की है कि आज से आई को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देंगे देखिए सी का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कैश रिजर्व रेशियो जो कि बैंकों को वो एक कैश रिजर्व रेशियो वह वैधानिक बाध्यता है यानी दायित्व है जो बैंकों को अपनी कुल जमा और मांग के एक हिस्से के रूप में आर के पास जमा करना होता है ठीक है लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी आ जाती है ऐसी स्थिति में आई का इस्तेमाल कर बैंक से आर अतिरिक्त नकदी को लेता है यानी बैंक या कह सकते हैं कि मार्केट से अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त नकदी को सोख लेता है ठीक है आ, क्यों की जाती है या क्यों की गई है क्योंकि क्यों की गई है जब भी यह की जाएगी तो यह समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में विशेष कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी है कि बैंकिंग सिस्टम में ढेर सारा जमा आने वाला है और अगर हम पिछले भविष्य में देखेंगे तो दो बार ऐसी घटना जल्दी ही जल्दी हुई एक 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी आई थी और एक अभी जब 2000 का नोट आर ने कहा है कि वो अब चलन में नहीं है ठीक है तो इन दोनों कंडीशन में लोग अपनी बड़ी मात्रा में नकदी को बैंकों में जमा कराया गया तो बैंकों की जमा राशि बढ़ गई उसको मैनेज करने के लिए क्योंकि सी एक निश्चित जमा के साथ था एक एक्सेप्शनल केस आ जाता जा है ऐसे में एक्सेप्शनल जो है उपाय आर बी आई उपाता आता है चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है आर ने नौ सितंबर से जो बैंक हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की है ठीक है क्या होता है आई एक अतिरिक्त नकदी शेष है कैश रिजर्व रेशियो है सी आर आर है अतिरिक्त अतिरिक्त सी आर आर है जिसे आर एक विशिष्ट अवधि के लिए समझे विशिष्ट अवधि के लिए बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात यह नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है वह कुल जमा जो बैंक कानूनी रूप से रिजर्व बैंक के पास जमा रखने के लिए बाध्य हैं, यानी कुल जमा पर वह न्यूनतम राशि जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखनी होती है और ये कानूनी रूप से बैंक बाध्य हैं। उ, इसके ऊपर जो बनाए रखा जाता है उसे क्या कहते हैं आई कहा जाता है ठीक है 10 अगस्त 2023 को आर ने बैंकों से 19 मई 2023 और 28 20 जुलाई 2023 के बीच में जो उनको जमा मिली थी किसके लिए जमा मिली थी इसमें से कई कारण थे लेकिन मुख्य तौर से जो दो हजार रुपए के नोट थे दो हजार रुपए के नोट्स जमा होने के कारण जो अतिरिक्त नकदी आई थी उम्मीद थी कि लगभग एक लाख करोड़ के आसपास की नकदी आएगी सत्तर हजार अस्सी हजार करोड़ या एक लाख करोड़ वो अतिरिक्त नकदी को लेने के लिए जो अतिरिक्त जमा थी शुद्ध मांग और समय देनदारियां थे उसमें 10 प्रतिशत की आईसीआर बनाए रखने की बात की गई थी और उसमें यह भी कहा था कि समय के साथ साथ इसकी समीक्षा करेगा सितंबर में करने की बात थी 8 सितंबर को इसने समीक्षा की और आज से उसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया ठीक है इसके क्या परिणाम हुए क्यों की गई अब यही की कि भाई ये किया जाता है जब अतिरिक्त नकदी हो तो ऐसी स्थिति क्यों आई थी जुलाई और अगस्त में अतिरिक्त नकदी तो उसमें देखा गया था कि जो है दो हज़ार रुपये के बैंक नोट की वापसी हो रही थी आरबीआई सरकार को उसका क्या कर दे रही थी जो सरकार भाई आरबीआई का मालिक कौन है आरबीआई में मेन शेयर धारक कौन है भारत सरकार है तो उसकी पूंजी से जो आर को लाभ होता है तो उसको सरकार को देना पड़ता है जिससे डिविडेंड होता है सरकार को वो भी हस्तांतरित किया था आर ने सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हुई थी और पूंजी प्रवाह भी हुई थी ये सब कारणों से जो है बहुत सारा नकदी आ रही थी और जिसके कारण इन्फ्लेशन के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया था बैंकों के पास या अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा नकदी आने के कारण अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का वो भी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन का बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है इसको रोकने के लिए आर ये आई सी आर आर की घोषणा की गई थी तो इसका परिणाम क्या हुआ जैसे पता है कि सी आर आर सी को आर का ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसके जरिए आर बैंक की ऋण देने की क्षमता को ही कम कर देता है तो आई है ये भी उसी ब्रह्मास्त्र का ही एक अंग है तो इसके जरिए भी तरलता को बड़े तेज़ी से क्या कर लिया जाता है सोख लिया जाता है और इसका वही हुआ 21 अगस्त को बैंकिंग में प्रणाली में पहली बार तरलता में गिरावट आ गई और तरलता तेईस करोड़ तक पहुँच गई थी लेकिन बाद में सुधार हो गया है और जैसे आरबीआई ने इसे लगभग छिहत्तर हजार करोड़ रुपए का अधिशेष निकाला है और फिर अब धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया अभी ऐसी कोई परिस्थितियां हैं नहीं फिर कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि बैंकिंग सिस्टम में जरूरत से ज्यादा तरलता आ जाएगी तो फिर वो उसको ला देंगे ठीक है चलिए अगला न्यूज देखते हैं शिव के नटराज रूप का इतिहास और धार्मिक प्रतीक अभी जो जी ट्वेंटी का सम्मेलन हो रहा है भरत मंडपम बना है वहाँ पे नटराज की ये देखिए विशाल प्रतिमा लगी हुई है सत्ताईस फुट की और ये कह सकते हैं कि डांसिंग शिव नटराज नृत्य करते हुए शिव की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा ये लगी हुई है तो इसमें ये है कि ये क्यों क्यों चर्चा में है ये जो नटराज की प्रतिमा है ये कहीं ना कहीं जिसको इसको जो इस प्रतिमा को जो बनाने वाले हैं उन लोगों ने तमिलनाडु के उन लोगों का कहना है कि उन्होंने तमिलनाडु के तीन प्रमुख मंदिरों का जिसमें से ज़्यादातर चोल साम्राज्य के जुड़े हुए हैं तो उनसे उनको प्रेरणा ले कर इसको बनाया है तो नटराज हमें कि क्या है चर्चा में क्यों है ये चोल साम्राज्य से यानी नटराज की प्रतिमा का जो इस ये आकार है इसका कैसे उद्भव हुआ यानी ऐतिहासिक क्या कारण है और नटराज की जो प्रतिमा है इसका धार्मिक क्या प्रतीक है धर्मशास्त्र में हिंदू धर्मशास्त्रों में इसका क्या प्रतीक है यह क्या कहना चाह रहा है ठीक है इन सब चीज़ों को देखेंगे और संक्षेप में थोड़ा सा चोल साम्राज्य को भी देख लेंगे चलिए चर्चा में क्यों है क्यों चर्चा में है क्योंकि अभी भारत मंडपम में जो आज से शुरू हुआ है उसमें यह प्रतिमा लगी हुई है सत्ताईस फिट की प्रतिमा लगी हुई है जो माना जा रहा है दुनिया में भगवान शिव के नृत्य के रूप में सबसे ऊंची प्रतिमा है यह मूर्ति एक अष्ट धातु आठ मिश्रित धातुओं का कला का नमूना है जिसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वाम स्वामी मलाई के मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया है इसमें अपने भाइयों के साथ बनाने वाले जो हैं श्रीकंडास्थापथी ने बताया है कि इन डिजाइन यह डिज़ाइन तीन प्रतिष्ठित नटराज मूर्तियों ये देखिए प्री का मुद्दा है आप इसको देख लीजिएगा चिदंबरम ज़िले में थिल्ल थिल्लई नटराज मंदिर कनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर या जो इसको तंजावुर में बृहदेश्वर ब्रिधे, मंदिर है जो कि एक यूनेस्को साइट है वहाँ से लिया गया है यानी थिल्लई नटराज मंदिर चिदम्बरम उमा महेश्वर मंदिर कनेरी राजपुरम और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर से लिया गया जो तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर है एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ठीक है चोल साम्राज्य और नटराज प्रतिमा भरत मंडपम में जो नटराज प्रतिमा जिन तीन मंदिरों से प्रेरित है वे सभी मूल रूप से चोलों द्वारा बनवाई गई है जिन्होंने नौवीं से ग्या, ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास अपने चरम पर प्रायद्वीपी दक्षिण भार, भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था चोल कट्टर शैव थे हालांकि ठीक है जो जो अपने चरम पे थे चोल कट्टर सर्व शैव थे उन्होंने अपने क्षेत्रों में विस्तृत शिव मंदिरों जैसे तंजावुर का निर्माण करवाया था दक्षिण भारत के अग्रणी इतिहासकार ए नीलकंठ शास्त्री ने द चोला उन्नीस में इनकी किताब है लिखा था कि चोल मूर्तिकला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने वाले प्रतीकों में शैव आकृतियाँ प्रमुख हैं हालांकि बहुत अच्छी वैसणों और जैन छवियाँ भी चोलों में थी यानी चोल के शासनकाल की जो प्रमुख आकृतियाँ हैं वह उसमें शिव की आकृतियाँ ही हैं उसमें भी ये नटराज और इस तरह की चीजें हैं शिव का नटराज स्वरूप क्या है इसकी जो व्याख्याएँ धार्मिक स्तर पर की जाती हैं उसमें यह माना जाता है कि हिंदू धर्म में कि जो प्रम, प्रमुख जो संपूर्ण सृष्टि है ये शिव के नृत्य से उत्पन्न होती है और शिव के नृत्य से ही इसका विनाश हो जाता है शिव जब आनंदमय नृत्य करते हैं तो उसे अपने नटराज स्वरूप में शिव जब अपने नटराज स्वरूप में आनंदमय नृत्य करते हैं जिसे तांडव नृत्य तांडव का अर्थ हम लोग बुरा सही लेते हैं लेकिन शिव जब आनंदमय तांडव करते हैं तो नटराज रूप में होते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जब वो आ, कह सकते हैं रुद्र रौद्र रूप में यानी रुद्र रूप में होते हैं जब तो तब वो क्या होता है सृष्टि का विनाश होता है तो शिव का जो तांडव है जो नृत्य है उसी से ही सृष्टि का जन्म और विनाश होता है ऐसा धार्मिक मान्यताएं मानी गई हैं और उसमें जो सृष्टिकारी शिव का नृत्य रूप है वही नटराज रूप में शिव नृत्य करते हैं वो निर्माण का रूप है और रुद्र जो है विनाश का रूप है ठीक है इसमें चार भुजाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार हैं जैसे एक भुजा जो है उनकी अग्नि को लिए हुए है वो दंड का है एक भुजा अभय दान देती है ठीक है एक भुजा डमरू है जो संगीत का वो करती है एक पैर उनके चारों ओर जो है वो ब्रह्मांड और अग्नि कहते है, उसमें है उनके पैरों एक पैर उठा हुआ है जो मोक्ष का प्रतीक है कि अर्थ है कि एक पैर शिव का उठा हुआ है जो मोक्ष का प्रतीक है अर्थात ये बताता है कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है और शिव अपने एक पैर से एक राक्षस को दबाए हुए हैं जो कि अज्ञानता का प्रतीक है ठीक है तो ये सारी चीज़ें इनसे निकल के आती हैं अब देखते हैं कि चोल साम्राज्य तो चोल साम्राज्य का है उन्नावी शताब्दी में हुआ था आप लोग इसको इतिहास में डिटेल में पढ़ाने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आप इसको इन चीज़ों को जाके अपने जो सिलेबस है उसमें डिटेल से देख लीजिएगा क्योंकि एक घटना है एक मूर्ति है और वैसे भी जी ट्वेंटी के सम्मेलन में भारत जो है भारत सरकार जो है जो प्राचीन भारतीय परंपरा संस्कृति को उभार रही है तो उसमें से एक नटराज को चूँकि वहाँ पे जितने भी मेहमान आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी लगी है तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें देख लीजिएगा ये चोल शासकों का ये बताता है कि ये श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी मालदीव पर कर ली थी इनका सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक के देशों में था इनके पास बहुत बड़ी विशाल नौसेना थी ठीक है चोल साम्राज्य में सबसे प्रतापी माने जाते हैं राजराजा और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम राजराजा द्वारा ही यह शैव धर्म अपनाना था और उसमें ही राजा राजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का जिसमें नटराज की मूर्ति है बनाया गया था और इन्होंने अपने लिए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण कर ली थी चलिए अगला देखते हैं अगला भारत और अमेरिका के बीच कल जो है संयुक्त एक मीटिंग हुई थी भारत और आ, अमेरिका के भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बायोलिटरल बातचीत हुई थी उसमें एक संयुक्त तो वक्तव्य जारी किया गया था उस वक्तव्य का प्रभाव जी ट्वेंटी के सम्मेलन पर भी पड़ेगा और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जून में प्रधानमंत्री जी अमेरिका के स्टेट विजिट पे थे तो वहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप हुआ था स्ट्रेटेजिक कम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था मतलब आप ये कह सकते हैं कि आ, अमेरिका ने और ब्रिटेन प्रशासन ने तो यहाँ तक कहा कि दुनिया में कोई भी यानी अंतरिक्ष से लेके सागर तक जो है कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको नहीं छोड़ा जिसको छोड़ा गया और वाकई में उस कम्प्रेहेंशिव uh, उसको देखेंगे तो आपको पाएंगे कि जितने भी सेक्टर हैं सब में किया गया है उन्हीं को लेकर क्या क्या प्रगति हुई है क्या क्या नया नया डेवलपमेंट हुआ है जैसे कि उस समय एक समस्या थी डब्ल्यू में व्यापार में लेकर छः सात मुद्दे थे वो अब सुलझ गए हैं उसको लेकर संतोष व्यक्त किया गया है जेई का जो जनरल इलेक्ट्रिक यानी जो आपके तेजस के लिए जो फाइटर प्लेन के लिए इंजन देने की बात समझौता यानी उसको जॉइंटली डेवलप करने की बात थी जो अमेरिका शायद ही किसी देश के साथ कर रहा है उसमें अभी वहाँ की सीनेट ने इसको पास कर दिया है अगस्त में तो उस पर भी खुशी जाहिर की गई है ऐसे कुछ सारी चीज़ें हैं जिसको डिटेल में करके हम देखते हैं स्वागत किया और अभूतपूर्व रहा ये तो चर्चा में क्यों है इसको आप देख लीजिए प्रमुख बिंदु क्या है देखते हैं देखते चलते चलते पढ़ते रहते हैं लोकतांत्रिक मूल्य दोनों देशों के संबंधों का आधार स्तंभ है यानी दोनों देश का संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर है ये पहली बात इसमें ये बता रहे हैं दोनों नेताओं ने बहुमायमी वैश्विक एजेंडे के सभी आयामों में भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी में बदलाव लाने का काम जारी रखने का आह्वान किया है स्वतंत्रता लोकतंत्र मानवाधिकार समावेशन बहुलवाद और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर के साझा मूल्य को हमारे देशों की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और यही मूल्य हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाते है। हैं यानी जो तो लोकतांत्रिक मूल्य हैं कौन कौन से स्वतंत्रता लोकतंत्र मानवाधिकार समावेशन बहुलवाद ये हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं एक तो ये है ऐसे जरा टोंट किसके लिए था चीन के लिए क्यों चीन और अमेरिका रूस के लिए भी मानता है ठीक है भारत तो नहीं लेकिन चीन के लिए भी कि तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र नहीं है हम दो एक तो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और एक दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है ठीक है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 140 करोड़ की आबादी और अमेरिका जो ज्ञात लोकतंत्रों में जो जो आधुनिक प्रणाली चल रही है उसमें दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हमारे यहाँ तो बहुत पहले है ठीक है लेकिन जो वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली शासन प्रणालियों के रूप में देखी जा रही है जो इसमें है उसमें सबसे पुराना अमेरिका है और सबसे बड़ा भारत है ठीक है अगला देखते हैं स्वतंत्र खुले समावेशी और लचीले हिंद महा हिंद प्रशांत का समर्थन ठीक है इसमें यह बात की गई है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और उससे जैसे जो चीन बार बार मैप जारी कर देता है दक्षिण चीन सागर पर अपना एक तरफा वो करता है उसमें यह कहा गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है स्वतंत्र है और सभी के लिए इसमें क्या है खुला है और क्वाड के द्वारा इस क्षेत्र क्वाड में कौन कौन शामिल है जापान ऑस्ट्रेलिया भारत और अमेरिका क्वाड बनाए हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए और इसके जरिए इस क्षेत्र के विकास पर बल देंगे ठीक है इसी तरह से अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्व वैश्विक शासन व्यवस्था पर बल अमेरिका ने भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता के लिए बल दिया है और कोशिश किया है कि जो भी वैश्विक शासन व्यवस्था है उसे अधिक लोकतांत्रिक और अधिक समावेशी बनाने की ज़रूरत है इसी तरह से राज रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका यानी इन लोगों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी में विभिन्न प्रौद्योगिकियों को जिसमें से आप कह सकते हैं कि क्वांटम प्रौद्योगिकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी बायोटेक्नोलॉजी ऐसे, बायो ऐसे बहुत सारी प्रौद्योगिकियों की बात किया गया है जिसके जरिए हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होगी ठीक है सेमीकंडक्टर की लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर बल अभी भी जो सेमीकंडक्टर है ये बहुत सारी प्रौद्योगिकी के लिए इन्वर्जन टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण है इस पर एक तरह से चीन का एक तरफा साम्राज्य मतलब दबदबा है ठीक है अमेरिका इसके अगेंस्ट एक अपना विकल्प तैयार कर रहा और भारत भी सेमी कंडक्टर एक अपना निर्माण के लिए प्रयासरत है तो अमेरिका चाह रहा है कि भारत अमेरिका मिल एक एक स्वतंत्र आपूर्ति और वैश्विक स्तर पे एक स्वतंत्र आपूर्ति श्रृंखला बनाएं जो चीन के पहुँच से मतलब चीन से अलग व्यवस्था हो ठीक है अगला है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग जो समझौता है वो तो चल ही रहा है एन में भारत का न होने के कारण वो समझौता सफल नहीं हो पा रहा है अमेरिका ने कहा है कि हम प्रयास करेंगे कि भारत उसमें शामिल हो और साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि एस एम आर छोट स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर जो मॉडलर हैं कहीं भी ले जाके लगाए जा सकते हैं जिसको नवीन ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति माना जा रहा है इन इनमें दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और अनुसंधान पर बल दिया जा रहा है इसी तरह की और भी बातें दोहराई गई हैं जैसे क्वांटम क्षेत्र में दोनों सहयोग करेंगे ठीक है अभी जो जेट इंजन के लिए उसको समझौता हो गया इस पर ये लोगों ने समझौता सहमति व्यक्त की है के लिए जो है हुआ है उसमें भी किए हैं ठीक है दोनों नेताओं ने विश्व डब्लू में हुआ है उसके लिए किए हैं और भारत द्वारा जो ग्रीन ऊर्जा टेक्नोलॉजी जिसमें बैटरी और इस तरह की चीज़ों पर कर रहे हैं उसके बीच उसके लिए भी दोनों देश परस्पर समझौता करने पर सहमत हुए हैं ठीक है तो कुल मिला यह जो उस समय का समझौता हुआ है उसमें से ज़्यादातर चीज़ों पर उसकी पुनर्मूल्यांकन किए हैं और कुछ नवीन बातों को कहा गया है व्यक्त किया गया है ठीक है चलिए आ, आप हर बार कहता हूँ फिर कहता हूँ कि इससे जुड़ा हुआ पी आप जब भी लेक्चर सुना करिए तो उस पर एनालिसिस पे ध्यान दिया जाए करिए इससे जुड़ा पीडीएफ आपको हैंडआउट के रूप में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लेक्चर सुनिए पीडीएफ पढ़िए उससे अपना नोट्स बनाइए और उसका इस्तेमाल उसको आप बार बार याद करेंगे वहीं आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगा ठीक है चलिए धन्यवाद